सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज है 15 फरवरी, आज मार्केट गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी ने थोड़ा सस्टेन किया एंड उसके अपने बैंक निफ्टी एक पैरेलल चैनल का फॉर्म शो कर रहा था एंड वो पूरा दिन उसी पैरेलल चैनल में ही चलता रहा, ना ही ब्रेकआउट हुआ ना ही ब्रेक डाउन हुआ। अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड की बात करें तो हम उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर अपना ट्रेड कर सकते थे। अगर वहीं बात करें निफ्टी की, निफ्टी भी गैप अप ओपन हुई एंड गैप अप ओपन होने पर मार्केट ने थोड़ा सा फाल किया, बाद में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्म शो किया। निफ्टी 50 ने अपर ट्रेंड लाइन का अच्छा सा सपोर्ट लिया, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह, छह जगह पे निफ्टी 50 ने इस अपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। अराउंड 1:30 बजे के करीब में निफ्टी 50 ने इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया एंड ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करके एक हैमर कैंडल जैसी बनाई एंड उसके बाद देखा जाए तो एक हमारा छोटा सा रेजिस्टेंस था जिसे मैंने ड्रॉ करके रखा है एंड ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया था। वैसे इस ट्रेड में मेरा एंट्री का प्लान कुछ इस प्रकार था कि मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छा खासा या तो स्पाइक दे के मार्केट ऊपर अपसाइड जाए या फिर उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अच्छा खासा स्पाइक दिया और मार्केट सीधा ऊपर चली गई एंड यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट टारगेट होने वाला था तो वो मेरा डे का हाई था एंड उसके बाद जो ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रा करके रखा है वो मेरा रेजिस्टेंस का हाई था एंड यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करता तो 21900 का ATM चूज करता। मार्केट 21900 के पास में ही थी, अगर मैं उस स्ट्राइक प्राइस को चूज करता तो उसमें मुझे अच्छा खासा अपने कैपिटल का 2x 3x तक देखने को प्रॉफिट मिल जाता। तभी मैं आपको 21900 का चार्ट दिखा दूं। अगर इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो मेरी चार्ट प्रीमियम चार्ट पे कहां पे एंट्री होती, तो ये रहा हमारा 21900 का प्रीमियम का चार्ट। यहां पे अगर मेरी कुछ एंट्री होती तो यहां पे 27 या 28 रुपए के करीब मेरी एंट्री होती एंड यहां पे जो मेरा टारगेट होने वाला था तो यहां पे वो 50 पॉइंट तक का टारगेट होने वाला था। तो यहां पे अगर देखा जाए तो मेरी 27 रुपए पे एंट्री होती तो मैं यहाँ पे आराम से 50 या 75 रुपए तक का अपना टारगेट ले सकता था। वैसे भी मार्केट 80 रुपए तक गया था तो यहाँ पर मुझे 2x तक का प्रॉफिट देखने को मिलता एंड उसके बाद में जब ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया तो फिर मैं चलती कैंडल में मैंने एंट्री नहीं ली एंड मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस को टच करके वापस नीचे सपोर्ट पे आई। मैंने अपने सपोर्ट पे री एंट्री का प्लान किया, अगर मार्केट इस सपोर्ट को टच करके अपसाइड जाएगी मेरा प्लान था एंट्री करने का, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इंडेक्स में मार्केट अपसाइड जा रही है और प्रीमियम में देखा जाए तो मार्केट प्रीमियम में डाउनसाइड ही जा रही है। तो फिर मैंने अपना एंट्री का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स अपसाइड जा रहा था और यहाँ पे देखा जाए प्रीमियम था वो डीके होके जीरो ही हो रहा था, तो मैंने इसलिए कोई एंट्री का प्लान नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नए वीडियो में।